कहो आदरणीय उषा दीदी जी पधारे हैं मधुबन की खुशबू कहो मधुबन का श्रृंगार कहो या तपस्या मास में तपस्या के खास वाइब्रेशंस हमारे बीच लेकर आए हैं आदरणीय उषा दीदी जी एक ऐसी पर्सनालिटी को इंट्रोड्यूस करते हुए गौरवान्वित अनुभव कर रही हूं मैं आप 1974 से इस ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े कुछ ही समय में आपने अपने जीवन को संपूर्ण रूप से संस्था में समर्पित किया भागलपुर बिहार से आपकी दो किताब जो आपने लिखी उस पर आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिली आपको इच्छा हो तो ताली बजा सकते हो बिहार विधानसभा की असेंबली में आपको खास इनवाइट किया था और आपने तनाव मुक्त जीवन पर सबको मोटिवेट किया असेंबली में जाकर के लेक्चर देना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जैसे सेना में भर्ती किसी ऑफिसर के कंधे पर लगे हुए सितारों से स्टार्स से पता चलता है कि ये सैनिक कितना बहादुरी से मेडल्स प्राप्त किए तो दीदी के जीवन में बहुत सारे एवॉर्ड्स दीदी ने प्राप्त किए कुछ चुनिंदा एवॉर्ड्स 2012 में आपको हॉल ऑफ फेम इंडिया से अवॉर्ड मिला थाईलैंड गवर्नमेंट से मॉरल अवार्ड 2019 और पीस मेडल मिला तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए भी एक बहुत ही खुशी की बात है विशेष आपको यूएसए में फिलीपींस की राजकुमारी द्वारा बहुत ही प्रीशियस अवॉर्ड मिला जी ओ डी द ग्लोबल ऑर्डर ऑफ डिग्नेटरीज साथ आप स्पिरिचुअल वेलनेस के भी एम्बेसडर बने ये बहुत बड़ा अचीवमेंट आपकी लाइफ का है आपके जो मुख्य विषय है राजयोगा टीचर्स रहे शिविर में तो आपकी मास्टरी है ही है लेकिन मुझे याद है 1997 में जब हम समर्पित हुए तब दीदी ने एक बहुत सुंदर विहंग मार्ग की सेवा एस कोर्स के द्वारा आरंभ की सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप यह यज्ञ का पहला कोर्स जो बाबा के अव्यक्त मुरली से डिज़ाइन किया गया तो खास दीदी ने इस कोर्स को डिज़ाइन किया और बड़ी बड़ी कंपनीज़ में तब से ही मैनेजमेंट कोर्सेज़ के लिए बहनों को बुलाया गया मुरली में बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे आपको वैसे कोई ज्ञान की बातें सिद्ध नहीं करनी है लेकिन गीता के भगवान को ज़रूर सिद्ध करना और जब हमने भी कोर्स कराना आरंभ किया 1996 से तो हमारे लिए सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक जो रहता रहता था वो था गीता का भगवान कौन और इस टॉपिक को हम बहुत लास्ट में अवॉइड करके थोड़ा थोड़ा सुनाते थे डरते थे कहीं ये स्टूडेंट चला ना जाए लेकिन आज इस बात को इस टॉपिक को इतना अच्छे से सिम्प्लीफाई करके दीदी ने सामने रखा है तो मैं कहूँगी कि रामायण महाभारत ये हमारे जो पुरातन ग्रंथ है इतने बड़े जो कहते हैं ना लोगों की भावनाएं जुड़ी है इन ग्रंथों के साथ तो इसलिए बहुत ही सोच समझ करके ज्ञान सुनाने की जो टिप्स और टेक्निक्स दी है दीदी ने खास इस कोर्स को या कहे कि इस सेंसिटिव विषय को भी दीदी ने कैसे एक आध्यात्मिक ऊंचाइयों के द्वारा लोगों के सामने रखा ये दीदी की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी इसके लिए तो खास तालियां बजनी चाहिए <laughs> और आप सबको पता होगा कि तीन दिवसीय गीता के सार पर एक बहुत सुंदर हमारी प्रवचन माला सिद्धार्थ नगर में चल रही है और ये प्रोग्राम बहुत बहुत सक्सेसफुल हो रहा है दीदी के आगमन से और इससे मुझे लगता है बहुत फ्यूचर में सेवाएं होने वाली है जैसे मैं वो स्टार की बात कर रही थी वो एट स्टार्स मुझे दीदी के पर्सनालिटी में दिख रहे हैं और मैं आपके तालियों का साथ मांगूंगी। ये एट स्टार्स आप एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है स्पिरिचुअल इंजीनियर स्पिरिचुअल रिसर्चर काउंसलर मैनेजर ट्रेनर डॉक्टर लीडर और तो और आप एक वेलनेस एम्बेसडर भी बन गए तो बहुत सुंदर टॉपिक लेकर आए हैं समस्या का हल क्या कहोगे हा? क्या कहोगे समस्या का हल है तपस्या बाबा की बहुत सारी अव्यक्त मूल्य तपस्या पे चली है और दीदी का जो चिंतन दीदी की जो एक्सपर्टीज है वो ज्ञान से मक्खन कैसे निकालना है वो दीदी से सीखने जैसा है तो आज वो मक्खन वो सार जो है तपस्या का दीदी से सुनेंगे एक बार फिर से दीदी का स्वागत इस में। ओम शांति बहन जी ने बहुत सारे स्टार्स तो जोड़ दिए मेरे उसमें लेकिन यूँ कहूंगी कि बाबा का वरदान है बिना बाबा के हम क्या थे कुछ भी नहीं इसलिए आज जो कुछ भी है वो बाबा के है वरदान के प्रैक्टिकल स्वरूप है मुझे याद आता है कि ये वरदान भी मुझे कैसे मिला कि जब हम बाबा के सामने गए थे अव्यक्त बाबा के सामने और उस समय बाबा ने श्रीमत दी के बच्चे समय कम है गफलत मत करो सेवा में लग जाओ वैसे बाबा किसी को भी डायरेक्टली ये नहीं कहते हैं लेकिन मुझे बाबा ने जब डायरेक्टली कहा कि गफलत मत करो सेवा में लगो मैंने हाँ तो भर ली लेकिन फिर मुझे आया कि बाबा मुझे बोलना नहीं आता है जब मैंने ये बाबा से कहा बाबा मुझे बोलना नहीं आता है क्योंकि मेरी शुरू से पर्सनालिटी रिजर्व नेचर की थी बहुत कम बातों में आने का मैंने कहा मुझे बोलना नहीं आता है तब बाबा ने ये वरदान दिया था कि बच्चे थोड़ा समय यहाँ रहोगे ना सीख जाओगी और शायद बाबा के आज्ञाकारी बनकर के चलना यही उस वरदान को साकार कर दिया कि उसके बाद मैंने दूसरा थॉट अपने मन में नहीं लाया कि कैसे होगा मुझे कुछ आता नहीं है नहीं बाबा ने कहा माना हो गया बाबा ने कहा माना भले मेरी इच्छा थी आगे पढ़ने की लेकिन बाबा ने कहा तो पढ़ाई छोड़ दी दादियाँ इसीलिए हमेशा कहती थे झाटकू है जिस तरह कोई झाटकू मरता है चिल्लाता नहीं है वो बलि स्वीकार की जाती है तो ऐसे ही झाटकू बलि होने कारण भगवान ने भी स्वीकार किया और स्वीकार करने के साथ साथ जो योग्यता भरनी थी समय अनुसार वो योग्यता भी भरे चाहे मैनेजमेंट हो चाहे गीता के भगवान की बात हो हमें तो कुछ नहीं आता था लेकिन ये बाबा की ही देन है इसलिए बड़ाई किसकी करें बाबा की है न? ये हमें भूलना नहीं चाहिए आज भी बाबा ने मुरली में क्या कहा दादियों को बाबा बाबा के दादियाँ जब निकली तो बाबा बाबा करते रहे और उस बाबा बाबा शब्द ने ही जैसे वारिस क्वालिटी बनाई कितने वारिस बच्चे बाबा के उस समय निकले तो आज का जो विषय है कि समस्या का हल तपस्या मैं सोच रही थी समस्या की जड़ क्या है तो आज ये भी बाबा ने उत्तर दे दिया कि समस्या की जड़ है मैं 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 दुनिया में भी ये कहा जाता है कि प्रॉब्लम्स आर द क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड कमजोर दिमाग की ये उपज है और इसीलिए समस्याएं आती है प्रॉब्लम्स आते हैं तो जहां मन कमजोर पड़ता है वहां समस्या खड़ी होती है इसीलिए तपस्या आवश्यक है लेकिन तपस्या और योग में क्या अंतर है योग करना और तपस्या करना दोनों में कोई अंतर है क्या अंतर है तपस्या स्व के लिए करते और योग सबके लिए करते ऐसा तपस्या और योग में क्या अंतर है तपस्या तो धारणा मूर्त बनने के लिए करते हैं योग मन बाबा से मिलन मनाने के लिए जी गते गते योग, तो गते 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 गते। योग चलते फिरते और तपस्या बैठ के करनी होती है अच्छा अच्छा योग माना इजी और तपस्या माना जहाँ दृढ़ता हो और भी कोई डेफिनेशन तपस्या माना तपाना और योग माना रू करना हाँ बाबा से शक्तियाँ लेना तपस्या में शक्ति नहीं मिलती है तपस्या में विकर्म भस्म होते हैं अच्छा और और भी कुछ योग एक सब्जेक्ट है चार सब्जेक्ट है हमारे ज्ञान योग धारणा सेवा तो योग एक सब्जेक्ट है जबकि तपस्या एक जीवन है एक सब्जेक्ट नहीं है ये जीवन है हर पल तपस्या चलती है हमारी कोई क्षण ऐसी नहीं जब तपस्या नहीं हो रही है परंतु हमने उस बात को समझा ही नहीं कि तपस्या कैसे जीवन हो गई योग जैसे कहा कि चलते फिरते उठते बैठते भी कर सकते हैं तपस्या हर मोमेंट है बैठ के करना उसको तपस्या नहीं कहा जाता है हर मोमेंट तपस्या है इसीलिए चारों सब्जेक्ट मिलाकर तपस्या हो जाती है ज्ञान युक्त योग युक्त युक्ति युक्त और सेवा युक्त ये चारों मिलाकर तपस्या है योग एक सब्जेक्ट है जहां बाबा से हम सर्व संबंध जोड़ करके बाबा से रू रिहान करते हैं लेकिन तपस्या में सब कुछ आ जाता है इसीलिए कहा जाता है तपस्या का आधार त्याग है बिना त्याग के तपस्या नहीं हो सकती है इसीलिए मैंने कहा कि तपस्या एक जीवन है क्योंकि हर पल हम यही त्याग करने का प्रयत्न करते हैं मैं और मेरा दुनिया के अंदर स्थूल त्याग दिखाया गया है लेकिन यहां बाबा ने हमसे बहुत सूक्ष्म त्याग करने के लिए कहा है बाबा की मुझे वो सात मुरलियां याद आती है त्याग के ऊपर कि जिसमें कितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल तक बाबा त्याग की बात करते 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 लास्ट में कहा सर्वंश त्याग है ना तो इसीलिए कहा त्याग यही आधार है यही फाउंडेशन है तपस्या का दुनिया में भी आप देखो कोई भी तपस्वी तभी कहलाता है जब उसने बहुत कुछ त्याग किया होता है लेकिन उनका त्याग स्थूल है इसीलिए कई बार कई लोग हमसे ये भी पूछ लेते हैं कि आप लोग तपस्वी कैसे अपने आप को कहते हैं आप सब तो हा? कोई जैनियों की तरह चलना नहीं होता है ये नहीं करना होता है वो नहीं करना होता ऐसा नहीं करना होता है तो तपस्या के आधार पर है लेकिन जो वो स्थूल त्याग भी करते हैं वो स्थूल त्याग के लिए भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म भाव है परंतु डायरेक्ट सूक्ष्म भाव तक नहीं पहुंच सकते तो वो वाया पहुंचते हैं इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा ये तपस्या का आधार जो त्याग है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म मैंपन और मेरापन मैं समझती हूं कि प्रतिदिन की साकार मुरली कभी भी बाबा की मुरली कोई भी मुरली उठाकर देखो बाबा कहते बच्चे दे अभिमान का त्याग करो दे अभिमान को छोड़ो सिंपल शब्द में कहते हैं साकार मुरली में बहुत सरल लैंग्वेज बाबा की है कि बच्चे देह अभिमान को छोड़ो आत्म अभिमानी बनो देही अभिमानी बनो बार बार बाबा हमारा ध्यान उसी की ओर खींचवाता है तो इसलिए कहा कि त्याग इतना सूक्ष्म है और जब ये त्याग करने की हिम्मत आती है स्वयं में तब हमारी तपस्या आरंभ होती है अगर यह त्याग करने की हिम्मत ना आए तो तपस्या प्रैक्टिकल में नहीं हो सकती है तपस्या का मतलब यह नहीं कि मैं एक जगह आठ घंटा बैठ जाऊं उसी को तपस्या कहे नहीं मैं आठ घंटा बैठ भी जाती हूं लेकिन अगर अंदर में व्यर्थ चल रहा है तो कोई तपस्या नहीं है इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम इसलिए बाबा ने आज जो तपस्या की परिभाषा बताई है इनडायरेक्ट वे में कि जहां समय श्वास संकल्प आपके सफल हो रहे हैं एक एक सेकंड भी आपके संकल्प में समर्थी है यह आपकी तपस्या है अगर ये सब व्यर्थ में जा रहे हैं दुनिया के लोगों के लिए हम तपस्वी नहीं कहते उनको क्योंकि उनका व्यर्थ का खाता बहुत ज्यादा है आज बाबा ने इसीलिए कहा मैंने खाता देखा आप सब कहा है ना और क्या रिजल्ट अनाउंस किया बाबा ने हम्म बहुत कम है हम वर्णन तो कर लेते हैं कि हाँ मैंने ये किया ये खाता भी मेरा जमा है ये खाता लेकिन बाबा ने इनडायरेक्ट देखा कि कहीं न कहीं व्यर्थ का लीकेज ज्यादा है इसलिए हम अपनी अवस्था बनाते हैं सुबह अमृत वेला करेंगे मुरली सुनेंगे उसमें से कुछ प्रेरणा लेकर के यहाँ तक पहुँच जाएंगे अवस्था को ऊँचा उठाएंगे लेकिन फिर दिन भर में व्यर्थ चलता 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 क्या हो गया जहां थे वहीं आ गए फिर दूसरे दिन मेहनत करते हैं यहां तक लाए फिर सारा दिन व्यर्थ चला व्यर्थ संकल्प व्यर्थ व्यर्थ शक्तियां गवाई व्यर्थ श्वास गवाए बस नीचे आ गए है ना तब बाबा ने ये सीजन की जितनी मुरली चलाई है चार पांच मुरली अब तक जो चली है उसमें बाबा ने जो विशेष अंडरलाइन कराई है व्यर्थ का खाता समाप्त करो व्यर्थ भी एक प्रकार की इंप्योरिटी कहा बाबा ने व्यर्थ भी एक प्रकार की इंप्योरिटी है और ये इंप्योरिटी हमारी तपस्या को फलीभूत नहीं होने दे रही है क्योंकि जहां हम उसको सफल नहीं कर रहे हैं व्यर्थ के खाते में ज्यादा जा रहा है तो समस्या ही तो रोज खड़ी होनी है समस्या का कारण ही क्या है प्रैक्टिकल अगर देखा जाए कि कोई भी समस्या का मूल कारण क्या है तो जहां कहीं पर भी हमारी कमजोरी का प्रयोग होता है वहां से समस्या आरंभ होती है और इसीलिए जितना व्यर्थ चलता है तो समस्या तो उत्पन्न होगी ही इसलिए सबसे पहली बात कि तपस्या किसको कहा जाए तो बाबा ने उसकी परिभाषा बताई है दृढ़ता संपन्न अभ्यास दृढ़ संकल्पधारी बनो दृढ़ संकल्पधारी अब दृढ़ संकल्पधारी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा संकल्पों की क्वालिटी को देखना पड़ेगा कि मेरे संकल्पों की क्वालिटी क्या है अगर मेरे संकल्पों की क्वालिटी नेगेटिव और वेस्ट ज्यादा है तो दृढ़ता उसमें रह नहीं सकती है दृढ़ संकल्पधारी नहीं बन सकते है ना वो कमजोर कर देता है हमारे फाउंडेशन को इसीलिए दृढ़ संकल्पधारी बनना जरूरी है कई बार कई लोग कहते हैं मैंने कई बार दृढ़ संकल्प किया लेकिन क्या करें ढीला हो जाता है संकल्प मधुबन में दृढ़ संकल्प करके आते हैं और यहां आने तक ढीला हो जाता है कर ही नहीं पाते हैं पता नहीं क्यों ऐसा होता है क्यों होता है वातावरण मैनेजमेंट <laughs> <laughs> में हम लोग कहते थे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ आपके जीवन में जो कुछ भी होता है उसके लिए जिम्मेवार न वातावरण है न लोग हैं न परिस्थितियां हैं कोई नहीं मैं खुद हूं क्यों ऐसा कहते थे मैनेजमेंट का ये सिद्धांत हम बताते थे कि जिस घड़ी हम अपना अपनी अंगुली परिस्थिति पर व्यक्ति पर वातावरण पर हम उसको दिखाते हुए करेंगे माना हम टोटली totally डिसम्पावर हो जाते हैं और अपने कंट्रोल्स उस परिस्थिति के हाथ में उस वातावरण के हाथ में दे देते हैं वहां हम लाचार हो जाते हैं मेरे पास ताकत नहीं जिसको हम मैनेजमेंट लैंग्वेज में कहते हैं कि डू नॉट गिव द लोकस ऑफ कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ अदर्स दूसरों के हाथ में अपने अपने सारे जो मन का कंट्रोल्स है वो नहीं दो नहीं तो आप लाचार हो जाएंगे इसीलिए हमें खुद जिम्मेवार होना होगा आई हैव टू टेक अप द रिस्पांसिबिलिटी सेल्फ मैनेजमेंट उसी का नाम है तो दृढ़ता संपन्न अभ्यास ये बाबा की मुरली के अंदर बार बार तपस्या के लिए आया है कि दृढ़ संकल्पधारी बनो लेकिन हमारा दृढ़ता संपन्न अभ्यास क्यों नहीं रहता है दृढ़ता हमारी कमजोर क्यों हो जाती है उसका कारण यही है कि हम अटेंशन की कमी स्वयं के ऊपर अटेंशन की कमी हो जाती है और ये नहीं कि दृढ़ता नहीं है आपके पास है मैं आपको बताऊं जब से बाबा के ज्ञान में आए तब से लेकर के आपको ज्ञान अच्छा लगा निश्चय बुद्धि हुए बाबा की रोज मुरली सुनने लगे सुनते हैं ना सभी रोज मुरली सुनने लगे अच्छा जैसे जैसे बाबा ने एक एक धारणा की बातें मुरली के अंदर सुनाई कि प्याज लहसुन नहीं खाना है कोई खाते हैं यहां कोई खाते हैं यहां नहीं खाते ना छोड़ दिया ना छोड़ दिया कोई कितना भी आपको कहे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है इसके लिए बहुत अच्छा है खाओ खाओ क्या करेंगे दृढ़ता है ना वहां कोई वातावरण ने प्रभाव डाला नहीं डाला नहीं खाते इच्छा भी नहीं होती है अगर कहीं कोई शादी में जाते भी है देखते भी है तो भी आपको मन ही नहीं होगा मन ही नहीं होता है कि खाए तो दृढ़ता है ना अच्छा बाबा ने जब कहा कि बच्चे अमृत वेले उठना है क्या करते उठते हैं भले बैठ करके थके होते हैं तो निंद्रा करते हैं लेकिन उठते हैं ना लक्ष्य रखते हैं ना कि भाई मुझे उठना है तो ये लक्ष्य रखा और उस पर दृढ़ रहते भी है और पहले के समय में ज्ञान के पहले कितने बजे उठते थे और अब उठते हैं जिस दिन अमृत वेला मिस होता है, फील होता है जैसे कुछ मिस किया ये फील होता है है कि नहीं तो दृढ़ता है ना अच्छा पवित्रता की धारणा जब जैसे ही आपने लिया उसमें दृढ़ संकल्पधारी बने कोई की ताकत है कि आपकी पवित्रता को भंग कर सके नहीं करते भावार्थ के जब इन बातों में दृढ़ता है तो फिर जो सूक्ष्म कमजोरियां हैं उसको निकालने की दृढ़ता क्यों नहीं है दृढ़ता तो है प्रयोग नहीं करते हैं उसका कारण यह है कहीं ना कहीं अलबेलापन आ जाता है आलस्य आ जाता है इसलिए हमारी दृढ़ता कम होती है बाकी यह नहीं कि आप में दृढ़ता की कमी है दृढ़ता है कोई की ताकत नहीं है कि आपके आ, कोई भी धारणा को तोड़ सके आप इतने दृढ़ संकल्पधारी है उसमें तो इसलिए कहा कि दृढ़ता संपन्न अभ्यास जब करना है बस उसमें एक चीज नहीं आने देनी है कि कहीं पर भी दन के तकिए नहीं लगाने हैं दनलप के तकिए माना दनलब के तकिए माना मान सहूलियत नहीं लेनी है जैसे मान लो के ध्रुव ध्रुव का गाथा पढ़ते ना छोटेपन में उसने कहा मुझे मात पिता का प्यार अनुभव करना और वो अगर ये मात पिता से नहीं हुआ तो मैं परमात्मा मात पिता से अनुभव करूंगा और उसके लिए वो दृढ़ संकल्पधारी हो गया एक टांग पर खड़ा रहूंगा उसको कहा तपस्या दृढ़ संकल्पधारी हो करके उसने अभ्यास किया उस चीज का वहां कोई सहूलियत नहीं ली कि भाई सारा दिन तो मैं एक टांग पर खड़ा रहूंगा रात को मैं सो जाऊंगा नहीं कि सारा समय तो मैं बाहर तपस्या करूंगा एक टांग पर खड़ा होकर लेकिन बारिश आ गई तो मैं अंदर आकर के खड़ा हो जाऊंगा कोई सहूलियत नहीं जहां सहूलियत नहीं ली तो वहां उसकी तपस्या को भंग करने की किसी की ताकत नहीं रही है। हम लोग सौलियत ढूंढते हैं थोड़ा सा ये हो जाए तो चलेगा थोड़ा सा ऐसा हो जाए थोड़ा सा वैसा हो जाए है ना तो जहां ये सहूलियत लेना चालू किया वहां धीरे धीरे आलस अलबेलापन जरूर आ जाता है तो ये दनलब के तकिये हम लगाने लगते हैं इसलिए हमारी तपस्या भंग होती है तो दृढ़ संकल्पधारी हो जाना जैसे रामायण के अंदर दिखाया कि भाई वो अंगद गया रावण के दरबार में और पैर जमा दिया उसने और जमा कर कहा कि इसको हिला कर दिखाओ अगर हे रावण तूने हिला दिया तो सीता मैया तेरी कमिटमेंट कर दिया एकदम सारे यहां मंदिर से ना पूरा हक्के बक्के रहे ये क्या बोल रहा है अंगद है ना ऐसा थोड़ी करना चाहिए और अगर रावण ने पैर हिला दिया तो क्या होगा ये क्या सीता मैया तेरी रावण हंसता है अरे वानर तेरे को तो मैं क्या हिलाऊं मेरे सारे महारथी तेरे को हिला देंगे तो हिलाकर दिखाओ एक एक करके उसके दरबार के महारथी आए हिलाने के लिए कोई नहीं हिला सका रावण थोड़ा ये हो गया अरे कोई नहीं हिला सकता है तो वो खुद उठता है और खुद उठ करके जैसे ही जाता है उसके पैर पकड़ने के लिए चोर से पैर हिला दिया खुदी और कहा अरे पैर पकड़ना है तो श्री राम के पकड़ो मेरे क्यों पकड़ रहा है युक्ति युक्त है ना हिला दिया तो सीता मैया दे देनी पड़ेगी मेरा पैर क्यों पकड़ रहा है उसका पैर पकड़ तुम जो तेरा वो कल्याण करेंगे उधार करेंगे तो बुद्धि रूपी पैर को जहां जमा दिया वहां से कोई हिला नहीं सकता है ये है तपस्या हमारी ये एक घंटे की नहीं होती है आ? लाइफ टाइम की है ये, ये लाइफ टाइम की है इसलिए कहा तपस्या एक जीवन है योग एक सब्जेक्ट है फिर जब वो आया सारे वानर उसको घेर लिया अरे तू तो ऐसा कैसा बोल सकता है हा? तो का देख पैर रखना काम मेरा हिले ना हिले वो उसका काम इतना विश्वास इतना विश्वास इतना निश्चय बुद्धि कि कोई हिला ना सके हमारे उस दृढ़ता को इतना निश्चय पक्का हो कोई हिला करके तो दिखाए तो निश्चय बुद्धि विजयंती दृढ़ता में सफलता है आज बाबा ने स्लोगन दूसरा कहा सफल करो और सफलता लो लेकिन दृढ़ता में सफलता भी है तो जहां बुद्धि को जमा दिया एक दृढ़ संकल्प में वहां से कोई हिला नहीं सकता है माया क्या रावण भी आ जाए तो भी हिला नहीं सकता एक मुरली में बाबा ने कहा रावण तो क्या रावण का बाप भी आ जाए ना तो भी हिला नहीं सकता रावण का बाप कौन है रावण का बाप कौन है पता है शिव बाबा है क्योंकि रावण सबसे बड़ा भक्त था शिव का है ना यानी स्वयं साक्षात परमात्मा मेरी टेस्ट लेने आ जाए वो भी मुझे उस दृढ़ संकल्प से हिला ना सके उसको कहा जाता है तपस्या ये तपस्या दूसरा तपस्या माना एकाग्रता पूर्ण अभ्यास उसमें एकाग्र हो जाए बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है जिसमें बाबा ने तपस्या की परिभाषा बताते हुए कहा एकानामी, नामी एक एक नामी और एकाग्रता इकोनॉमी हो व्यर्थ ना जाए मेरे सं, समय संकल्प श्वास ये व्यर्थ न जाए एक नामी हो एक के अंत में समाना है एकांत उसी को कहा एक के अंत में समाज एक नामी और एकाग्रता पूर्ण अभ्यास यानी मन बुद्धि हमारी कहीं भटके नहीं मन के भटकने के कितने स्थान है कहां, कहां जाता है मन कहां, कहां जाता है मनुष्य के मन के भटकने के तीन द्वार है जहां से वो जाता है या तो मनुष्य का मन व्यर्थ में जाता है या तो मनुष्य का मन संबंधों में जाता है ना कोई ना कोई संबंध ही याद आ जाते हैं पत्नी याद आई बेटा याद आया बेटी याद आई मना कोई ना कोई संबंध खींचता है और या तो मनुष्य का मन इच्छाओं में जाता है ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए इच्छाओं में ये तीन स्थान हैं मन के भटकने के व्यर्थ संबंध और इच्छाएं तो अब ये तीनों का सॉल्यूशन बाबा ने हमें दे दिया व्यर्थ के बदले समर्थ ज्ञान का खजाना इतना दिया कि अगर चिंतन करना है तो ये करो ना मुरली का चिंतन करो समर्थ चिंतन करो व्यर्थ में क्यों जाता उसमें कुछ मिलना ही नहीं है पानी को विलोते रहने से क्या मिलेगा है ना समर्थ चिंतन करो जिसमें से कुछ ताकत भी मिले दूसरा संबंध तो बाबा ने कह दिया सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ो अगर संबंध में ही भटकता है तो सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ लो ना तो सर्व संबंध अगर मेरे साथ जुड़ गया तो बस फिर मन का अगर संबंध में भी गया तो कोई ना कोई बाबा के साथ का संबंध याद कर लो और तीसरा गया इच्छाओं में तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें सर्व प्राप्ति मैंने दे दी है संगम युग पर सारी प्राप्तियां हमारे नाम असाइन कर दिया है बाबा ने तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में तो जहां अप्राप्त नहीं कोई वस्तु तो फिर इच्छाएं क्या है कि वो सर्व प्राप्ति संपन्न है तो ये तीनों द्वार को बाबा ने बंद कर दिए जहां मन का भटकना होता था और बुद्धि के लिए कहा क्लीन दादी जान की हमेशा कहती थी क्लीन क्लियर और कमिटेड प्रतिबद्ध जो मैंने संकल्प लिया उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं कमिटेड हूं जब ऐसे निश्चयात्मक बुद्धि हो जाते हैं अब मन और बुद्धि का दोनों का सॉल्यूशन हो गया तो फिर तो एकाग्रता पूर्ण अभ्यास होगा क्या भी भटकेगा नहीं भटक सकता है और फिर तीन चीज दे दी लक्ष्य लक्षण और लक्ष्मण रेखा ये तीन चीज दे दिया बच्चे लक्ष्य तुम्हारा क्या है वो सामने रखो क्या बनना है क्या प्राप्त करना है उस लक्ष्य को सामने ले आओ है ना लक्ष्य को सामने लाने से ही उस अनुसार के लक्षण अपने आप ही मर्ज होने लगेंगे और फिर कहीं जाए नहीं उसके लिए लक्ष्मण रेखा खींच लो है ना जहां ये लक्ष्मण रेखा खींच ली मन के लिए फिर आप देखो मन जाएगा नहीं बाहर गया तो रावण खड़ा है उठा कर ले जाएगा इसलिए इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना है मर्यादा की लकीर के अंदर लक्ष्मण रेखा माना मर्यादा की लकीर बाबा ने हर बात की मर्यादा हमें दी है है ना? हर बात की मर्यादा है हमारे पास रहम दिल जरूर बनो लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर रहम दिल बनो मर्यादा क्रॉस करके किसी के प्रति रहम दिल बनने की जरूरत नहीं यहां तक बाबा ने कहा है जहां ऐसा एकाग्रता पूर्ण अभ्यास हमारा होने लगे उसको कहते हैं तपस्या ये हमारी तपस्या है जिसमें पांच जीत बनना सहज हो जाता है कौन से पांच जीत बनना है कर्मेंद्रीय जीत माया जीत प्रकृति जीत और मन जीत को संस्कार जीत और पांचवा पांचवा निद्रा जीत ये हमारी तपस्या है हमारी तपस्या है सबसे पहले कर्मेंद्रिय जीत एक एक इंद्रियों को हमें डिसिप्लिन में लाना है जितना हमारी एक एक कर्मेंद्रिया डिसिप्लिन में आने लगेगी उसके लिए जो मेरा पुरुषार्थ है ये मेरी तपस्या है क्योंकि बिना तपस्या के इसके ऊपर जीत नहीं प्राप्त कर सकते स्थूल कर्मेंद्रिय जीत के साथ साथ सूक्ष्म इंद्रिय जीत यह भी जरूरी है वृत्ति स्मृति जो सूक्ष्म लेवल की है उसके ऊपर भी तो जीत पाना है तो इसलिए कहा सबसे पहले कर्मेंद्रिय जीत और ये जीत कहां तक हम बने हैं कि कहीं पर भी कोई भी इंद्रिया मन न हो यह मेरी तपस्या है ये जीत प्राप्त करना यह हमारी तपस्या है दूसरा जो कहा माया जीत माया जीत मतलब खाली पांच विकारों को जीतना उसको माया जीत नहीं कहा लेकिन जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कमजोरियां हैं अंश के भी अंश वंश उस माया के उसके ऊपर भी जीत प्राप्त करना और जैसे ही उसके ऊपर जीत प्राप्त करते हैं ये हमारी तपस्या है कर्मेंद्रिय जीत के साथ साथ माया जीत सूक्ष्म कमजोरियों पर भी जीत तीसरा तीसरा जो कहा प्रकृति जीत एक होती है बाह्य प्रकृति ये पांच तत्व लेकिन ये पांच तत्वों का भी कंट्रोल कहीं ना कहीं अंदर है हमारी आंतरिक प्रकृति आंतरिक प्रकृति के ऊपर मैंने कितना जीत पाया है नेचर जिसको कहा जाए स्वभाव जिसको कहा जाए वो स्वभाव के ऊपर जीत पाना जब आंतरिक प्रकृति के ऊपर हमारी जीत होगी तब हमारी बाह्य प्रकृति के ऊपर जीत पाना भी स्वाभाविक हो जाएगा तो मुश्किल होगा अगर आंतरिक प्रकृति हमारे हमारे कंट्रोल में नहीं है ना चाहते हुए भी बोल देते हैं मेरा नेचर है क्या करे तो बाबा कहे तो बाह्य प्रकृति तो बहुत दूर की बात है इसीलिए आंतरिक प्रकृति और बाह्य प्रकृति इसका बहुत गहरा संबंध है क्योंकि उसी पांच तत्व से ये शरीर बना है हमारा इसलिए आंतरिक प्रकृति जीत बनना वो बाह्य प्रकृति जीत सहज बनाएंगे वहां प्रकृति दासी बन जाएगी ये हमारी तपस्या है फिर जो कहा संस्कार जीत पुराने संस्कार बार बार क्या करते हैं ये मर्ज हो जाते हैं इसलिए बाबा कहे इसको मर्ज करो इसको मर्ज करना जरूरी है और इसके लिए उसका प्रयोग करना बंद करो जो पुराने संस्कार है उसको मर्ज करने के लिए क्योंकि ढाई हजार साल के बाद उसको भले उभरना है तो उभरे तब तक तो हमें उसको मर्ज कर देना है तो ढाई हजार साल तक इतना उसको नीचे ले जाओ पाताल लोक में जिसको कहा जाता है ना पाताल लोक में उसको भेज दिया आ? दफन कर दिया तो ऐसे ही हमारे पुराने संस्कारों को इतना मर्ज कर दो वो ढाई हजार साल तक अपना मुंह ऊपर निकाले नहीं है ना ढाई हजार साल के तीन हजार साल के बाद ही निकले है ना इतना उसको अंदर नीचे तक ये कर दो उसका प्रयोग करना बंद करो जैसे जैसे उसका प्रयोग बंद करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि वो निर्बल हो जाता है जितना उसको ज्यादा यूज करेंगे पुराने संस्कार को बार बार इमर्ज करके यूज करते रहेंगे तो उसके ऊपर जीत पाना बहुत कठिन होगा वो शक्तिशाली बन जाता है ये मुझे यूज कर रहा है इसलिए जाने का नाम नहीं लेंगा लेकिन आप उसको यूज ही नहीं करो वो पुराने संस्कार अगर उभरते भी है उसको इग्नोर करो उसको यूज नहीं करो जितना उसको इग्नोर करते जाएंगे वो क्रियान्वित नहीं होंगे तो कमजोर पड़ेगा और कमजोर पड़ेगा तो वो मर्ज हो जाएगा संस्कार जीत और लास्ट में कहा निद्रा जीत ये हमारी तपस्या है निद्रा जीत माना आलस अलबेले पन को जीतना तो ये पांच बातों का जीत जहां है ये तपस्या इसलिए तपस्या एक जीवन है जहां हमारा निरंतर प्रयत्न ये रहता है कि इसके ऊपर हमें जीत पाना है अटेंशन रहता है इसके ऊपर जीत पाना है और बाबा की मुरली में कई बार हमने सुना जहां जीत वहां जन्म जहां जीत वहां जन्म अंतिम समय आ जाए और ये पांचों के ऊपर जीत है हम वहां जन्म राजाई कुल में जन्म होगा राज्य घराने में जन्म होगा अगर कहीं ना कहीं अधीनता है तो प्रजा में चले जाएंगे या बहुत ज्यादा अधीनता है तो दास दासी में अधीनता का ये स्वरूप है दास दासी बनना है ना तो इसलिए इसके ऊपर जीत प्राप्त करना ये मेरी तपस्या है एक एक चीज के ऊपर जीत पाना है मुझे इतना अपने आप को शक्तिशाली समर्थ बना देना है यह हमारी तपस्या है जब इसी में बिजी रहेंगे तो कमजोर संकल्प या कमजोर संस्कार को हुँ? आने का टाइम मिलेगा नहीं मार्चिन ही नहीं है मार्जिन ही नहीं मिलेगा बाबा कहते बिजी रहो बड़े बिजनेसमैन बनो बिजी रहने वाले ऐसे बिजनेसमैन बनो है ना इसलिए कहा ये पांच जीत ये हमारी तपस्या है तपस्या माना और क्या है तपस्या माना तपस्या माना साइलेंस पावर को जमा करना अंदर ही अंदर साइलेंस पावर को जमा करना और साइलेंस पावर के साथ साथ हमारी तपस्या है पवित्रता की शक्ति को जमा करना पवित्रता के बल को जमा करना यह तपस्या का बल हो जाता है तो साइलेंस पावर आवश्यकता से ज्यादा हम बात ही क्यों करें जैसे मम्मा के लिए हमेशा कहा जाता था कि जहां दस शब्दों का प्रयोग करना होता था वहां मम्मा दो शब्द में जवाब दे देती थी ये चार शब्द में मैक्सिमम है ना जितना अधिक हम कोई चीज का एक्सप्लेनेशन करने जाते हैं फंसते हैं आपने खुद महसूस किया ज्यादा बोल दिया कई बार रियलाइज होता है यहाँ इतना नहीं बोलना चाहिए था या आपके साथ जो दूसरे होंगे वो कहेंगे तुमने ज्यादा ही कुछ बोल दिया इतना थोड़ी बोलना चाहिए अब तेरे को पकड़ेंगे होता है कि नहीं होता है दूसरा जिसके साथ आप होते हैं अगर वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में जाता है तो क्या कहते हैं भी शॉर्ट शॉर्ट करो तुम तो। इतना ज्यादा एक्सप्लेन क्यों करते हो और वो ज्यादा एक्सप्लेनेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात ऐसी गड़बड़ वाली निकल जाती है तो समस्या खड़ी हो जानी है इसलिए मौन की ताकत मौन की भाषा मौन का बल साइलेंस का बल हमें बहुत सी बातों के अंदर बचाता है ये पवित्रता की शक्ति को हमें अपने अंदर इकट्ठी करनी है मौन की शक्ति के साथ साथ जब पवित्रता की शक्ति उसमें मिल जाती तो उसके जैसा तप और कोई नहीं है तब बाबा ने आज कहा कि इसको सफल करने में लगो समय श्वास शक्ति जितना सफल होगा उतना बढ़ेगा ये खजाना है ना लेकिन जितना व्यर्थ जाएगा उतना नुकसान होना ही है कहीं ना कहीं आज कितनी चीजों को सफल करने के लिए बाबा ने कहा समय संकल्प श्वास तन मन धन फिर मनसा वाचा कर्मणा और खजाने कितने खजाने हैं आ, गुणों का खजाना शक्तियों का खजाना ये सारे खजाने को हमें सफल करना है जो मिला है बस इसमें बिजी होंगे तो किसके पास टाइम रहेगा क्या और बातों के लिए बाबा ने इसीलिए हमें इतना बिजी कर दिया है कि हमारे पास व्यर्थ के लिए टाइम ही नहीं है तो इसलिए बाबा कहे उसको सफलता अगर अनुभव करना है जीवन के अंदर तो सफल करते जाओ हाँ लेकिन ये ध्यान रखना बिल्ली ना आ जाए चूहा ना आ जाए शेर ना आ जाए है ना? चूहा भी काट लेता है और कहाँ का जाना खाली कर देंगे मालूम ही नहीं पड़ेगा इतना सफल करने के बाद कहीं ना कहीं मैं 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 आ जाएगा है ना? और जहां शेर आएगा वहां निर्भय के अंदर भय पैदा कर देगा इसलिए भयभीत नहीं होना है आपके पास इतना बल हो अंदर में तो भयभीत होने की बात ही कहाँ है तो ये अटेंशन हमें जरूर रखना है और एक बात तपस्या माना बेहद के वैराग्य वृत्ति बेहद के वैराग्य वृत्ति ये रियल तपस्या आरंभ करती है है ना? मैंने एक बार गुलजार दादी से ऐसे ही कभी कभी बैठते थे तो रू करते थे दादी के साथ तो एक बार दादी से पूछा कि दादी बाबा के समय जब आप लोग थे तो शायद वो सतो प्रधान समय था आप लोगों का ना सात्विक पीरियड था बाबा के संग दादियों के संग जो है वो भी सेमी सतो स्टेज थी लेकिन धीरे 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 अभी अगर हम देखें ब्राह्मणों को तो क्या हो रहा है धीरे धीरे कहीं पीछे तो नहीं जा रहे हम रिवर्स में तो नहीं जा रहे हैं और बाबा कहता है समय आपके लिए रुका हुआ है मना हम संपूर्ण नहीं बनेंगे तब तक विनाश होगा नहीं समय आएगा नहीं और जब हम अपने आप में देखते हैं या ब्राह्मण परिवार को देखते हैं तो वो सतो प्रधानता की ओर जाने के बजाय पीछे अगर हट रहे तो क्या विनाश होगा ही नहीं तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था दादी ने कहा देखो ब्राह्मण भी धर्म है दुनिया में जितने भी धर्म आए अब तक हर धर्म को चार अवस्था से गुजरना पड़ता है दिस इज लॉ ऑफ नेचर सतो प्रधान सेमी सतो रजो और तमो तमो के बाद फिर परिवर्तन आता है तो ब्राह्मण भी धर्म है और जब ब्राह्मण भी धर्म है तो ब्राह्मण धर्म बाबा इन धर्म की स्थापना करता है तो वो दो धर्म तो बाद की बात है लेकिन जो ब्राह्मण धर्म है उसको भी चार स्टेज से गुजरना ही है दिस इज लॉ ऑफ नेचर के सतो प्रधान सेमी सतो रजो और तमो दादी ने कहा अब तो आप कुछ नहीं देख रही हो अभी आगे समय जाने तो बहुत कुछ दिखाई देगा क्या आपके अंदर से भी आएगा क्या ये ब्राह्मण धर्म है ये ब्राह्मण धर्म है ऐसी न सोची हुई बातें भी आएगी ब्राह्मण धर्म में न सोची हुई बातें भी आएगी तो मैंने कहा फिर तो विनाश होगा ही नहीं क्योंकि समय तो हमारे कारण रुका हुआ है हम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो समय होगा ही नहीं विनाश होगा ही नहीं दादा दादी ने कहा ऐसा कभी नहीं होता है लेकिन जब कोई चीज जब चौथी स्टेज में चली जाती है तो उसके बाद उसमें पार्टीशन हो जाता है दो पार्टीशन होती है और दो पार्टीशन होगी एक होगा जो सोचेंगे इससे तो दुनिया ही अच्छी थी उससे तो दुनिया ही अच्छी थी यहां भी अगर यही होना तो इससे तो दुनिया ही अच्छी थी तो दुनिया में जाएंगे और दूसरे जो होंगे वो सोचेंगे अभी किसी को देखो नहीं बस एक बाबा दूसरा ना कोई वो इतने पक्के निश्चय बुद्धि हो जाएंगे और किसी को नहीं देखेंगे बस बाबा को देखो बाबा ने जो सिखाया उसको देखो आप और वो अपनी रियल तपस्या आरंभ करेंगे इतना वैराग आएगा उनको इतना वैराग सब देखते हुए आएगा कि वो अपनी तपस्या में लग जाएंगे किसी को नहीं देखो छोड़ो सब बाबा ने क्या कहा बाबा का ज्ञान तो बुरा नहीं है लोगों के कर्म को हम क्यों देखें, है ना वो उसकी अपनी कमजोरी जहां है तो जो लोग ने सोचा कि इससे तो दुनिया अच्छी तो दुनिया में जाएंगे निश्चय तो निश्चय की कमी है इसका मतलब और भगवान को ऐसे बच्चों को तो निश्चय जहां कमी हो उसको थोड़ी वर्षा देना है तो छटनी होगी छटनी होगी झाड़ हिलेगा और जो कमजोर पत्ते होंगे वो झड़ने हैं क्योंकि उनको बाबा को वर्षा देना नहीं लेकिन जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे वह बस एक बाबा दूसरा न कोई बाबा को देखो बाबा ने जो सिखाया उस पर चलो तो उसकी रियल तपस्या आरंभ होगी और जब उसकी रियल तपस्या आरंभ होंगी तो उनकी ये तपस्या वैराग्य वृत्ति वाली वो रियल तपस्या होगी जहां वैराग्य वृत्ति नहीं है वो तपस्या तपस्या नहीं है। इसलिए रियल तपस्या वहां है जहां बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी किसी को नहीं देखो बाबा अब तक हमें कहता आया सी फादर फॉलो फादर सी ब्रदर सिस्टर बाबा ने कहा ही नहीं है लेकिन ये हमारी कमजोरी क्योंकि हमें साइड सीन देखने की आदत है ना और साइड सीन देखने की आदत है तो साइड सीन को देखना शुरू करेंगे इसको देखो इसको देखो फिर आता है अरे ये इतना पुराना यही ऐसा कर रहा है न जैसे पहले तो हम ज्ञान में जब आते हैं ना इतना नशा होता है और इतना नशा होता है कि जैसे आज ही संपूर्ण बन जाना है इतना बीस नाखून का जोर लगा करके हम पुरुषार्थ करना शुरू करते हैं फिर जब मधुबन जाते हैं ना सारा ग्रुप और एक कमरे में पांच लोगों को रखते हैं अब पांच लोगों में कुछ पुराने भी होते हैं, कुछ नए भी होते हैं तब तो देखते हैं हम अरे ये पुराना देखो सोया पड़ा है और वो उठ करके जा रहा है जाने के बाद वहां बैठने के बाद पता नहीं वो तो सोया पड़ा है तो सोया पड़ा है उसका योग लगा आ? ये इतना पुराना ये सोया पड़ा है फिर वहां से आएंगे देखा अभी तक सोया पड़ा है व्यर्थ चालू होगा कि नहीं होगा तो जो 20 नाखून का जोर लगा करके हम लगे हुए थे हम क्या होता है फिर सोडा वाटर होना शुरू हो जाता है और सोडा वाटर होते ही फिर हर कर्म को देखना चालू कर देखो ये बाबा को याद करके भी नहीं खा रहा है ये रात को सोया तो बाबा को याद करके भी नहीं सोया ऐसे ही हाँ, पसर गया ये तो। तो बाबा की श्रीमत अब वहां हमारा सारा सोडा वाटर हो जाता है क्यों क्योंकि हमें दूसरों की देखने की आदत है लेकिन मुझे याद आता है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना हॉस्टल में थे तब तो हम देखते थे कि जो नंबर वन का स्टूडेंट है उसकी लाइट देखते थे अगर उसकी लाइट चालू नहीं हुई तो हम सोचते थे हम ज्यादा पढ़ करके हम फर्स्ट नंबर ले लेते हैं वो सोया पड़ा है सोने दो उसको हमें साइड दे रहा है ना वो कि भाई मेरी कैपेसिटी नहीं है तुम कर सकते तो करो है ना वो कर सकते हैं लेकिन पिछले संडे के मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी बात किया कही कि कई बार कई लोग महारथियों को भी देखना शुरू करते हैं लेकिन जब महारथियों को देखते हैं तो ये भूल जाते हैं कि उनके पास पहले का बहुत जमा किया हुआ है इतना हमारे पास जमा नहीं है और जब हमारे पास जमा नहीं है अब मैंने उसको फॉलो करना चालू किया तो वो उसके पास तो फिर भी जमा का खाता है मेरे पास तो नहीं है तो अगर कोई के साथ है आप रहे हुए और उसकी कोई कम उसको या तो हेल्प करो सहयोग दो बाबा ने कहा महासहयोगी महासहयोगी क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता है तो ब्राह्मण ब्राह्मण के महासहयोगी बनो उसको हेल्प करो उसके कुछ तकलीफ होगी तभी वो नहीं उठ पाया है दूसरी बातें तो कर रहा है इसलिए उसकी वो कमजोरी को न देख करके या तो उसको मैं मदद करूं व्यर्थ चलाने के बजाय अगर आप उठा सकते तो उठाओ उसको कि भाई मैं आप चलेंगे अगर उसने उसको चलने की दिल है उठ गया तो आपको थैंक्स करेगा आपको दुआएं मिलेगी आपका योग तो लगेगा वहां बैठ करके दोनों साथ में बैठकर योग तो लगेगा आप उसको उठाते भी नहीं है सहयोग भी नहीं दे रहे हैं अब वहां जाकर के बाबा को याद करने के बजाय व्यर्थ संकल्प चला रहे हैं कमाई क्या किया कमाई तो जीरो हो गई ना इसीलिए दादी ने कहा था कि वो जो तपस्या आरंभ होगी वो सच्ची तपस्या होगी और वो तपस्या वो समय को समीप लाएगी वो विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगी इसलिए हमें यह देखना है कि कहीं हम भी वो पत्ते झड़ने वाले में ना चले जाए कि इससे तो दुनिया अच्छी आ? ये तो तोते मुआफिक ज्ञान दे रहा था खुद तो देखो नहीं व्यर्थ हम क्यों चलाए हर एक का अपना अपना प्रॉब्लम्स है हरेक की अपनी अपनी तकलीफ है हो सकता है कि उसने जो मेडिसिन कोई दर्द के लिए लिया हो उसमें नींद का नशा ज्यादा होगा तो नहीं उठ पाए तो मैं उसको सहयोग दे दूँ ये तो कर सकते हैं ना बजाय व्यर्थ चलाए उसे तो सहयोग दे दो महासहयोगी बनो तो इसीलिए रियल तपस्या जब हम ऐसे सहयोग दे करके वो दुआओं का खाता जब अपने अंदर जमा करते हैं वो दुआओं का खाता जमा होने से ही हम समय को नजदीक लाएंगे और विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेंगे तो इसीलिए सी फादर फॉलो फादर सी ब्रदर सिस्टर तो मुझे करना नहीं है और न मुझे करके न उसका वर्णन करना है कई बार वो बात इतनी खींचते हैं लेकर जाते हैं मधुबन से यहाँ आने के बाद भी एक दूसरे अरे हम उसके कमरे में थे मैंने देखा ना कोई दिन एक भी दिन अमृत वेला नहीं किया अब मैंने देखा ना रात को कभी बाबा को याद करके नहीं सोया शुरू शुरू में मैं जब समर्पित हुई तो घर कभी कभी जाते थे तो घर जाते थे तो मेरी बहन की छोटी बच्ची थी छोटी बच्ची थी तो माता जी हमारी सिखाती थी रोज रात को बाबा को याद करके सोना उसको पूरी कॉमेंट्री सिखाई थी कैसे बाबा को याद करना वो छोटी पाँच साल की तो उसको कॉमेंट्री सिखाई कि बाबा को ऐसे रात को याद करके सोना है अब हम गए तो थके हुए थे तो मैसेज सो गई तो उसको लगा कि भाई दादी ने तो ये सिखाया वो तुरंत वहां से खटिया से भागी नानी के पास जा मासी तो सो गई तो क्या सो गई ना तो सो जाने नहीं वो कॉमेंट्री तो बोली नहीं जो आपने सिखाया था वो कॉमेंट्री तो बोली ही नहीं आकर मेरे माता जी तू बैठ वो जो कॉमेंट्री बोलती है ना रिपीट कर उसके साथ तेरे को रिपीट करना है मैंने कहा मैं मेरे को क्या मालूम वो कौन सी कॉमेंट्री बोलती है तो कहा उसको कहा तुम बोल फिर माँ से रिपीट करेगी तो उसको खुशी होती थी कि मैं कॉमेंट्री बोलूँगी फिर मेरे तरफ देखती थी रिपीट करती है कि नहीं करती तो ये आदत है कि कहने का भाव ये है कि जब हम एक दूसरे को देखना शुरू करते हैं तो हम भी कमजोर पड़ते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि उसकी शक्ति कहां है उसकी शक्ति कहां है वो अपनी शक्ति को किस तरह सफल कर रहा है और किस तरह उसका जमा का खाता बढ़ रहा होगा मेरा तो व्यर्थ के कारण क्या हो रहा है डाउन हो रहा है तो इसीलिए किसी को देख करके हम अपने अंदर व्यर्थ का चिंतन ना करें व्यर्थ का संकल्प ना चलाए लेकिन अगर हो सकता है तो उसको सहयोग दे मदद करें नहीं हो सकता है तो भी हम जा करके वहां से आने के बाद भी उस बात को पकड़ करके रखना और उसको खींचना और खींच खींच करके वातावरण बनाना चारों ओर उसका वो फैलाना कि दूसरे भी उसको जाकर कह रहे भाई तुम अमृत वेला नहीं उठा वो कहेगा भाई मेरा प्रॉब्लम अपना है तुमको किसने कहा वो चार में से ही एक होगा कहेगा ना अब क्या होगा संबंध संबंध कैसा होगा ब्राह्मण धर्म में हमारा जो एक दूसरे के प्रति जो किला मजबूत होना चाहिए संगठन मजबूत होना चाहिए वो ढीला होगा कि नहीं होगा इसलिए ये ब्राह्मणों के किले को हमें ढीला नहीं करना है कमजोर नहीं होने देना है इस किले को मजबूत रखना है और मजबूत होगा तो कभी भी कोई भी प्रकार का वार अगर आएगा तो यहां से ही हमें सुरक्षा मिलनी है इसीलिए यह हमारी तपस्या है यह जीवन हमारा तपस्या बेहद की वैराग्य वृत्ति ये रियल तपस्या को आरंभ कर न्यारा और प्यारा जहाँ रह करके हम हर कर्म करते हैं वहां ही रियल तपस्या आरंभ होंगी तो इसलिए हमें अपने ये ब्राह्मणों का किला कभी कमजोर नहीं होने देना है हम हर एक ईंट इस किले की हम हर एक ईंट बहुत मजबूत होनी चाहिए बहुत पावरफुल होनी चाहिए अंदर से इतनी सशक्त कि कभी भी इस किले को कोई कमजोर करने का प्रयत्न भी करे तो भी हम नहीं करें क्योंकि संगठित रूप में जब हम ये तपस्या आरंभ करते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति वाली वो समय को बहुत जल्दी समीप ले आएगा बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है कि आग शुरू होती है भड़कती है लेकिन जब ब्राह्मणों की तपस्या की आग ढीली हो जाती तो वो आग भी ढीली इसीलिए इसको प्रज्वलित रखो इस आग को ढीली ना पड़ने दो ये तपस्या की अग्नि में ही जब हम ये अभ्यास करते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति का और अशरीरीपन बाबा हर मुरली के बाद हर अव्यक्त मुरली के बाद ड्रिल कराते हैं यह ड्रिल हमें बाबा अभ्यास करा रहा है मैं कभी कभी सोचती हूं बाबा हर एक बच्चे को जानता है लेकिन फिर भी बाबा कितना उमंग उत्साह भरता है कितनी बाबा की उम्मीदें हैं हमारे प्रति और इतनी उम्मीदें होने कारण ही बाबा हम सबको ये ड्रिल भी कराते हैं अभ्यास भी कराते हैं ताकि इस अभ्यास को हम और पावरफुल बनाते जाए और ऐसा पावरफुल करें ताकि हम क्या करें बेहद की वैराग्य वृत्ति के आधार से इस ड्रिल को आरंभ करेंगे तो समय बहुत सहजता से समीप भी आएगा और समय के साथ हम अशरीरी सहज हो करके के उड़ जाएंगे और पास विथ ऑनर हो जाएंगे ये बाबा चाहता है हम हर एक बच्चे से कि आप सहजता से अशरीरी हो जाओ न्यारे हो जाओ प्यारे हो जाओ और इतना न्यारे हो करके के सहजता से बाबा के पास चले जाओ अगर इधर उधर देखने की आदत होगी ना तो फेल होने की संभावना ज्यादा है फेल होने की संभावना ज्यादा है पास नहीं होंगे दूसरे की कमजोरी को देख करके मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले नहीं है लेकिन शायद जो जमा होगा वो भी हमारा कम होगा खाता इसीलिए दादी कहे बस इतने मजबूत होकर के हम इस बेहद के वैराग्य वृत्ति से अभ्यास करें सी फादर फॉलो फादर और वही अंतिम समय को समीप लाएंगे तो मैं उस समय को समीप लाने वाली निमित्त आत्मा बनू न कि हम पत्ते झड़ने वाले हो जाए बाबा ने कहा है तीन बार झाड़ हिलेगा ब्राह्मणों का दो बार तो हिल चुका है पहली बार कब हिला बेगरी पार्ट में हिला काफी लोग चले गए उस समय काफी लोग चले गए आधी संख्या हो गई थी जो थी पाकिस्तान से आई हुई आधी संख्या हो गई बेगरी पार्ट से कि अब यह संस्था गई कि गई एक बहुत बड़ा टेस्ट पेपर था दूसरा झाड़ कब हिला कोरोना में हिला <laughs> कोरोना में तो बढ़ा कोरोना में तो बढ़ गया नहीं, दूसरा झाड़ हिला 76 में। कि जब कहा था कि भाई सौ साल का संगम युग लोगों ने कैलकुलेशन मनमत से जो कैलकुलेशन करते हैं ना वहां वो हिलने वाला जरूर है तो 76 में क्या हुआ कि ब्रह्मा बाबा के 100 साल पूरे हो रहे थे तो ब्रह्मा बाबा का जन्म 1876, 1876। तो 1976 में सोचा कि 100 साल पूरे हो गए तो इसीलिए अब विनाश होना है 100 साल पूरे हुआ संगम युग पूरा हुआ बाबा ने कभी नहीं कहा मुरली के अंदर लेकिन हरेक ने अपना अपना कैलकुलेशन लगा लगा करके ऐसी हवा फैला दी कई लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ आ गए समर्पित होने के लिए तैयार है ना कि बस हम सब कुछ छोड़ छा कर बाबा के पास आ गए सोचा कि यहाँ हम सेफ रहेंगे और पूरा 76 चला गया 77 भी चला गया कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ सोचा ये ब्रह्मा कुमारियां झूठ बोलती है हवा फैलाती है है ना चले गए वापस जो छोड़ छाड़ के आए थे वो वापस दुनिया के अंदर चले गए दूसरा झाड़ तब भीला था 76 में विनाश होगा विनाश होगा विनाश होगा वो कहा ना शेर आया शेर आया शेर आया फिर आया ही नहीं है तो कई लोग चले गए जो पुराने होंगे उनको याद होगा याद है कौन है सेवेंटी सिक्स से पहले वाले हाँ और कोई है सेवेंटी सिक्स के पहले वाले अच्छा कोई है नहीं सेवेंटी सिक्स के पहले वाले जो थे ना तो 76 सिक्स में बहुत बड़ा झाड़ हिला था ये ब्रह्मा कुमारियाँ झूठ बोलती है दुनिया विनाश होने वाली ही नहीं है दुनिया चलती आई है चलती रहेगी है ना थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहेगा लेकिन ये खत्म नहीं हो सकते इतनी बड़ी दुनिया खत्म होना कोई आसान बात है क्या हाँ कोरोना में ज्यादा लोग जुड़ गए है ना ऑनलाइन भी बहुत बच्चे बाबा के बन गए लेकिन अब तीसरी बार झाड़ जरूर ही लेगा तो हम कच्चे हैं कि पक्के हैं कच्चे हैं पक्के हैं पक्के हैं ना कोई कच्चा तो नहीं है वो दुनिया में देखो आप मटका लेने जाते हैं ना ठोक ठोक करके देखते हैं ठोक ठोक करके देखते कच्चा है कि पक्का है कच्चा है कि पक्का है तो बाबा भी कहते हैं माया मेरी आज्ञाकारी बच्ची है मैं माया को कहता हूं इसको ठोक ठोक करके देखो है ना ठोक ठोक करके देखो तो सही कच्चा है कि पक्का है तो माया से डरेंगे तो नहीं वो नहीं बच्चों को हम छोटे उसमें खेल कराते इतनी मिर्ची खाएंगे फिर डरेंगे तो नहीं ठीक इसी तरह तो माया ठोकने का प्रयत्न जरूर करेगी ठोक ठोक करके देखेगी कच्चा है कि पक्का तो यहाँ सारे हैं पक्के कोई कच्चा नहीं दुविधा वाले नहीं डरने वाले नहीं हा? कैसा भी समय आए बस मैं और मेरा बाबा जब ऐसे निश्चय बुद्धि होकर के रहेंगे चलेंगे तो कभी भी माया आपको हिला नहीं सकती और वहाँ पास विथ ऑनर होना आपके लिए स्वाभाविक है तो एक दूसरे की कमजोरी को देखकर हिलेंगे तो नहीं ना बस ये हमारी तपस्या तो रही एक नामी एक नामी एकांत और एकाग्रता ठीक है अच्छा ओम शांति